चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कंसंट्रेशन के बारे में और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम समझेंगे कंसंट्रेशन आपकी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है। तो बच्चों किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, यानी जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व रहता है, वही आपकी क्या होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। यानी सिंपली कंसंट्रेशन हमें बताती है सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है। अभी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। सपोज अगर आपके टीचर ने दो सॉल्यूशन दे दिए, एक सॉल्यूशन एक्स दे दिया, एक सॉल्यूशन आपको वाई दे दिया। अब आपका टीचर बोलते हैं भाई एक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाई की कंसंट्रेशन कम है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली समझ जाओगे यानी एक्स के अंदर सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है और वाई के अंदर आपका सॉल्यूट कम प्रेजेंट है। तो यानी सिंपली कंसंट्रेशन का काम क्या है, ये बताने का है कि सॉल्यूशन के अंदर आपकी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना है। अब इसके बाद आपको जो ध्यान रखने की बात हो क्या है, कंसंट्रेशन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला तो क्वालिटेटिवली, दूसरा क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम सिंपली बता देते हैं कि भाई इसके अंदर आपका सॉल्यूट कम है, इसके अंदर आपका सॉल्यूट ज़्यादा है। और क्वांटिटेटिवली में हम बिल्कुल एक्जैक्टली बताते हैं, वैल्यू बता देते हैं कि भाई इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इतने ग्राम या इतने मोल, बिल्कुल एक्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। यानी यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ करके बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ हम ऐसे ही बता देंगे। तो क्वालिटेटिवली में हम यहाँ पे दो टर्म यूज़ करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो बताते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल के, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल के। अब आपको मैं बता दूं डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे कौन से होते हैं। तो बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट आपका बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट में समझ लो कि भाई सॉल्यूट यहाँ पे आपका क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी बहुत कम, मैं सीधा लिख दूं हिंदी में, बहुत कम होगा, यानी वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वेरी लेस अमाउंट में होगा। तो आप यहाँ पे देखो ये ऐसे। और दूसरा बच्चों अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वो आपका ज्यादा, यानी ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, यानी हाई क्वांटिटी में रहता है, हाई यहाँ पे किस में रहता है, हाई क्वांटिटी में, यानी हाई अमाउंट में, आप बस समझ चुके होंगे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे बता देता है, तो ये लेकिन हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बताते। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई एक सॉल्यूशन ए है, एक बी है, ए तो आपका डाइल्यूट है, बी आपका कंसंट्रेटेड है, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली समझोगे ए के अंदर आपका सॉल्यूट कम है, बी के अंदर आपका सॉल्यूट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसलिए क्या है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, जो क्वालिटेटिव वाले हैं ना, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये अलॉट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये ऐसा नहीं, मैं सब कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इन्हें हम कम यूज़ करते हैं। अब ये कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं एग्जैक्टली बताते हैं कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ले लो, जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने रात दिन पढ़ के दिखाते हो, लेकिन आपके आप तो चैटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स को क्या लगेगा, भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है, उन्हें देखेगा भाई रात दिन पढ़ रहा है हमारा लड़का, तो वो लेकिन उन्हें हल्का सा फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा कि पढ़ भी रहा है सच में नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा भाई ये पढ़ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब एग्जाम होंगे, वहाँ से आपके जब नंबर निकलेंगे, 12 नंबर, 14 नंबर, 50 नंबर, जितने भी 80 नंबर, तो वहाँ से एग्जैक्ट पता लगेगा बिल्कुल। तो वैसे तो आप देखने में क्या लग रहे थे, भाई रात दिन पढ़ते नजर आ रहे थे, क्वालिटी तो आपकी लग रही थी कि भाई पढ़ रहा है लड़का, भाई कन्फ्यूजन में थे, लेकिन कन्फ्यूजन आपका कब क्लियर होगा उनका, जब आपका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे, हमें सिर्फ क्या दे देते हैं, आइडिया देते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाते। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनका। अब देखो क्वांटिटेटिवली हमारी कितनी टर्म है जिन्हें हम यूज़ करते हैं, इनको हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। पहली होती है हमारी मास बाई मास परसेंट, जिसको मास परसेंट भी बोल देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। ऊपर वाला डब्ल्यू आपका सॉल्यूट का मास रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला आपका सॉल्यूशन का। ऐसे ही अब इसमें इसके बाद हमारा वॉल्यूम परसेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बाई वी से, इसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ही बोलते हैं। फिर तीसरी टर्म है आपकी मास बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू आपको मास के लिए, वी आपको वॉल्यूम के लिए। फिर यहाँ पे आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। अब इसके बाद आपका मोल फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। फिर मोलैलिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से। तो ये आपकी सारी सारी कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता चाहिए वो आपकी क्या है, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बार ध्यान रखना है आपको, जितनी भी आपकी मास वाली टर्म है जिनमें सिर्फ आपका मास आता है, वो तो टेम्परेचर से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। क्यों, आप सब जानते हो जो मास है आपका,
मास आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, आपने सबने पढ़ रखा है। और जिन टर्म के अंदर आपका वॉल्यूम आ रहा है वो आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो आपको याद रखना है जिन टर्म के अंदर मास आ रहा है वो तो इंडिपेंडेंट होंगी, और जिन टर्म के अंदर अगर आपका वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें देखो सिर्फ मास मास आ रहा है तो आपकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। वॉल्यूम आ गया डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर पे, इसमें वॉल्यूम आ गया इसे ये भी क्या होगी आपकी, डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में टेंशन लेनी। इसके बाद मोल फ्रैक्शन, इसमें सिर्फ आपकी मास मास वाली टर्म आती है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे, अभी के लिए याद रखो। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले अगर आपसे कोई, तो इसमें सिर्फ मास मास वाली टर्म आएंगी तो आपकी इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर से। मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो ये भी आपकी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, और मोलैरिटी में सिर्फ मास मास वाली टर्म आती है तो ये भी आपकी इंडिपेंडेंट होती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में, तो वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।